आपने सुना होगा कि ईपीएफ में पैसा लगाना सबसे फायदेमंद है, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सबसे अच्छी स्कीम पीपीएफ है, जो टैक्स भी बचाती है और बढ़िया रिटर्न भी देती है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात से तो फैसला हो नहीं जाता है। आप साफ साफ जानना चाहते हैं कि सुनने में एक जैसी लगने वाली इन दोनों स्कीमों में सबसे अच्छी कौन सी है और कैसे है। आज हम आपका पैसा में इन दोनों योजनाओं को कंपेयर करेंगे। ईपीएफ एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जो लगभग सभी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। कंपनियां वेतन देने से पहले ही पैसा काटकर इस स्कीम में डाल देती हैं। जबकि पीपीएफ भी एक लंबी अवधि की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, लेकिन इसमें निवेश आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं रिटर्न, सेफ्टी, टैक्स सेविंग और विड्रॉल जैसे पैरामीटर पर कौन सी स्कीम कितनी खरी उतरती है। सबसे पहले बात रिटर्न की। आमतौर पर ईपीएफ स्कीम में रिटर्न पीपीएफ से अच्छा मिलता है। ईपीएफ का कुछ पैसा शेयर बाजार में जाता है, इसलिए इसमें बेहतर रिटर्न की संभावना रहती है। इसके अलावा कर्मचारी यूनियनों के दबाव की वजह से सरकार इस स्कीम में ब्याज दर ज्यादा नहीं घटा पाती है। वहीं पीपीएफ की ब्याज सरकारी बॉन्ड की यील्ड पर निर्भर है। सरकार उस यील्ड से आधा परसेंट ज्यादा ब्याज देती है, लेकिन इसकी ब्याज दर तेजी से बदलती रहती है और आमतौर पर ये ईपीएफ से कम ब्याज दर देती है। अब बात सेफ्टी की। ईपीएफ में जमा पैसा या तो ईपीएफ ओ ट्रस्ट मैनेज करता है या फिर कंपनियों का अपना ट्रस्ट। नियम कायदे काफी सख्त हैं, इसलिए इनके डिफॉल्ट करने की संभावना कम है, लेकिन शेयरों में निवेश की वजह से आगे रिटर्न में उतार चढ़ाव दिख सकता है। वहीं पीपीएफ का पैसा सीधे सरकार के खाते में जाता है। सरकार इसकी ब्याज दर पहले से बता देती है। सरकारी सुरक्षा की वजह से पीपीएफ में पैसा डूबने की संभावना नहीं होती है। अब देखते हैं कि ईपीएफ और पीपीएफ में से कौन ज्यादा टैक्स बचाता है। ईपीएफ और पीपीएफ दोनों में जमा पैसा पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा सालाना मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की रकम भी टैक्स फ्री होती है। दरअसल दोनों पर टैक्स बेनिफिट एक जैसा है। अब बात लॉक इन पीरियड की। पीपीएफ का पैसा 15 साल के लिए लॉक रहता है। पीपीएफ अकाउंट खोलने से लेकर 15 साल पूरे होने के बाद ही पैसा निकालने की इजाजत होती है। वहीं ईपीएफ का पैसा आप तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आप रिटायर नहीं हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 महीने तक नौकरी नहीं रहती है तो आप कभी भी ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि जरूरत पड़ने पर कौन सा अकाउंट ज्यादा काम का है। ईपीएफ और पीपीएफ दोनों ही प्रीमैच्योर पैसा निकालने की इजाजत देते हैं, बशर्ते कि उसकी वजह पहले से तय कारणों में से कोई एक हो, जैसे शादी, इलाज, घर या पढ़ाई के लिए जरूरत। पीपीएफ के मुकाबले ईपीएफ से पैसा पाना ज्यादा आसान है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है और एडवांस पाने के लिए किसी कागजात या सबूत की जरूरत नहीं होती है। अब आखिर में देखते हैं कि ईपीएफ और पीपीएफ में निवेश कितना आसान है। ईपीएफ में एक बार मेंबर बन जाने के बाद पैसा अपने आप कटता जाता है और आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जबकि पीपीएफ में आपको याद करके पैसा डालना होता है। दूसरी तरफ पीपीएफ में बहुत लचीलापन है। इस अकाउंट में जब जी चाहे और जितना जी चाहे पैसा डालिए, बस अधिकतम और न्यूनतम सीमा का ख्याल रखना है। पीपीएफ अकाउंट सबके लिए खुला है, जबकि ईपीएफ सिर्फ कर्मचारियों के लिए। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, जबकि ईपीएफ में ऐसी आजादी नहीं है, इसलिए पीपीएफ में निवेश करना ज्यादा आसान है। इसके अलावा कई बार ईपीएफ की झंझटों से लोग परेशान हो जाते हैं। कभी नाम में गड़बड़ी तो कभी केवाईसी नहीं हो रहा है, जबकि पीपीएफ ऐसी झंझटों से मुक्त है। दरअसल सहूलियतों के हिसाब से देखा जाए तो पीपीएफ एक बेहतर स्कीम है, लेकिन अगर आपके लिए सहूलियतें अहम हैं तो इसी स्कीम को चुनें। लेकिन अगर ऊंचा रिटर्न पाने की तमन्ना है तो ईपीएफ ही बेहतर होगा।